डेढ़ लाख का सामान है इसमें। ट्राई करते हैं यहाँ का चिकलन का, ये देखो तो यहाँ पर मोबाइल वगैरह अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर बाकी इन सबको भी मोबाइल मिल चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के बज चुके 10, तो कल है 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जयंती। तो मैं तो सोच रहा था कि कल पूरा एंजॉय करेंगे, छुट्टी वगैरह है। तो अभी अभी हमको एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि कल छुट्टी नहीं है, आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। क्या हुई? और छुट्टी कैंसिल करने का बहुत बड़ा रीज़न है कि आप पहले पोस्ट ऑफिस में देखते होंगे कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे लोग, तो उनके पास एक मशीन थी, आप देख सकते हो RICT मशीन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो वो मशीन से लोग काम करते थे। ये मशीन आपको जो स्वस्थ धान्य दुकान है, राशन दुकान, उसमें भी दिखाई देती थी। जो कंडक्टर थे हमारे ST के, उनके पास भी ये मशीन थी। पोस्ट ऑफिस में भी यही मशीन थी, लगभग 2017 या 18 से मशीन मिल चुकी थी उनको। तो उससे पहले वो मैन्युअली पूरा लिख कर काम करते थे, मगर वो RICT मशीन आने पर थोड़ा लगा कि इजी जाएगा, मगर वो मशीन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि पूरा मतलब उसमें चलता ही नहीं था। तो उसमें दिक्कत ही बहुत आ रही थी, लगभग वो बहुत बड़ा प्लान था पोस्ट ऑफिस पूरा डेवलप कराने का, मगर वो प्लान थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। पहले अच्छा चला, मगर उसके बाद अभी रिसेंटली वो फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि तो जिस तरीके से अदर सेक्टर ग्रो हो रहे हैं वैसा हमारा पोस्ट ऑफिस ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक मतलब IPP के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि वो RICT मशीन हमको RICT मशीन के रिप्लेसमेंट में हमको लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल देने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि क्या मिलता है आज को। तो आज का दिन पूरे पोस्ट ऑफिस में मतलब बहुत इवोल्यूशनरी डे होगा, क्योंकि आज से मतलब काम भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन में बहुत दिक्कत आती थी। उसमें BSNL का कार्ड था और BSNL को हर जगह रेंज नहीं होती है, कहाँ पर रेंज है कहाँ पर नहीं होती है, और वो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो आपने कभी देखा होगा तो आपको जान लोगे। तो मोबाइल से काम फास्ट हो जाएगा, इसलिए वो मोबाइल दे रहे हैं। ये देखो, मोबाइल या लैपटॉप देंगे तो हम काम भी फास्ट कर सकते हो, आप मतलब इजी टू यूज है, इजी टू सी है। उन्होंने टैबलेट वगैरह दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैबलेट में तो बड़ी स्क्रीन आएगी और बड़ी स्क्रीन से बहुत अच्छा फास्ट काम हो सकता है। तो देखेंगे, ये मतलब डिसीजन तो रिवोल्यूशनरी होगा पूरा, तो देखते हैं आज। अभी हम पोस्टेड है पाटपन्ना नामक गांव, वो गोवागर सिटी से लगभग 7-8 किलोमीटर है। और अभी हम इनको यहाँ से हेड ऑफिस जाना है चिपलून को, चिपलून लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो जल्दी जाकर सुबह 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, 9 बजे तक मुझे लग रहा है 10-12 बजे तक काम हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि क्या मिलता है। तो चलो, तो ये पोस्ट की बैग है, वो हमको जमा करनी है, उसमें RICT मशीन वगैरह है, वो दिखाएंगे अभी हम। चलो, ये ऊपर जाना है, ये भीड़ है यहाँ पर, ये हेड ऑफिस है चिपलून का पूरा, देख सकते हो। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। ये पुरानी पेटी हमको जमा करनी है, ये RICT मशीन, ये गए, ये स्कैनर है इसमें, ये चार्जर, ठीक है, ये स्वीपिंग मशीन है, ऐसे ये चार्जर वगैरह के केबल है, और ये क्या है, और ये बैटरीज वगैरह है। तो अभी ये पूरा जमा कर देंगे और अभी मोबाइल देंगे। ये पेटी देख सकते हो, लगभग 1.5 लाख का माल है इसमें। सर, मेरे पास बहुत पैसा है। ये मशीन था पूरा पहला, वो अभी जमा कर देंगे पूरा, ये मतलब ऐसा पूरा यूज करना था। तो इस ये जमा कर देंगे और इस पर मोबाइल वगैरह देंगे अभी। देखिए, मोबाइल देते या टेबलेट देते कोई आइडिया नहीं है अभी, मगर ये पूरा ऐसा ही चलता था सभी, इसमें रिसिप्ट वगैरह हम लेते थे, बाकी इसमें ही सब पूरा काम चलता था। आप रेशन दुकान में जाओगे तो अभी भी ऐसी मशीन आपको दिखाई देगी। तो बाकी देखेंगे अभी है। मशीन की ये देख सकते हो आप पूरी, ऐसा कुछ था, बाकी ये भी अभी जमा कर देंगे। बाकी ये ऐसी पेटी है, लगभग 1.5 लाख का सामान है इसमें, 150 बैग जमा करने हैं। ये सभी बैग से जो हमारा है पाटपन्ना में भी, वो ये देखो इसमें बैग में वो 1.5 लाख का सामान पूरा अभी जमा कर देंगे और मोबाइल देंगे। तो फ्रेंड ने अभी ब्रेक दिया है 10 मिनट का, तब तक हम नाश्ता वगैरह करके आते, लग रहा है अभी 2-3 तो आराम से बच जाएंगे, देखते कितना टाइम लगता। ट्राई करते हैं यहाँ का चिकलून का, ये देखो पूरा ऐसा कुछ है। 15 रुपये। 5 मिनट्स लेटर।
यहाँ पर अभी अनबॉक्सिंग हो रही है किसकी, ये चार्जर की। वो देखो अभी देसी जुगाड़ करते हुए, ये देखो लगाया, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखो इसमें है ये चार्जर, सैमसंग का चार्जर है। और इसकी वायर किधर है, वायर वायर मोबाइल में थी, वायर देखो वायर फास्ट चार्जिंग, वायर नहीं मोबाइल अपना है, वायर मोबाइल, वायर किधर गई, इधर देखो इधर थी, इधर है, हाँ इसमें है, इसमें कल दे गया, उस टाइम हो गए इनके साथ। हाँ है ना भाई, क्या यार, हाँ तू दिखाओ थोड़ा, इधर लगाना इसका, हाँ तुम्हारे यहाँ पर मोबाइल वगैरह अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर बाकी इन सबको भी मोबाइल मिल चुका है, कि बहुत सारे लोग हैं अभी, इसमें से आधे गए अभी, तो अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही दिए, इसमें चार्जर वगैरह है, मोबाइल दे दिया है ना, तो अभी हम मोबाइल दिखाते हैं मोबाइल कैसा है। फाइनली अभी हम रूम पर आ चुके हैं, लगभग 7 बजे गए थे सुबह, अभी रात के 9 बज चुके हैं, तो बाकी को 3 बजे तक पूरा मतलब उनको मोबाइल ही दे दिया, मुझे तो लग रहा था लैपटॉप वगैरह दे देंगे, मगर लैपटॉप ईजी टू यूज नहीं है और मोबाइल कहाँ पर भी लेकर जा सकते हो, तो इसलिए उन्होंने मोबाइल दिया है। मोबाइल का नाम वगैरह मैं अभी अगले वीडियो में बता दूंगा, अगला वीडियो में पूरा बता दूंगा कि क्या हो चुका है। तो अभी सबको मोबाइल मिल गया, मगर अभी दो सिर्फ हमारे जो लोग थे उनको नहीं मिला, लगभग 150 लोग आए थे मोबाइल लेने के लिए, तो सभी को मिल चुका है, मगर हमारी ही किस्मत क्या बोल सकते हो। अभी मुझे लग रहा है जब मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में होता हूँ तभी कुछ ऐसा घट जाता है, ग्राउंड रॉन्ग हो जाता है। दो भी लोग परमानेंट होते हैं, तो मैं तो भी परमानेंट हूँ, तो इसलिए मुझे एक ही गांव दिया है और अभी मुझको एक ही गांव में काम करना है। तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, जो जब उनको परमानेंट वहाँ का व्यक्ति नहीं होता है तो क्या करते हैं, आउटसाइडर बुला लेते हैं, मतलब वहाँ के ही गाँव का एक लड़का वहाँ पर काम करता है, और उनको सिर्फ 3-3 महीने का गैप दिया जाता है, तो 3 महीने इस गांव में, 3 महीने इस गांव में और 3 महीने इस गांव में। तो अभी हमको तो बदलेंगे नहीं क्योंकि हम परमानेंट है, इसलिए तो मैं तो बहुत एक्साइटमेंट में था कि आपको मोबाइल दिखा पाऊं, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जो हमको मोबाइल दिया है उस पर हमारे गांव का नाम नहीं है, हमारे जो आसपास का गांव है उसका नाम है। ये, 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 क्या मजाक है कि जो हमारे दूसरा जो मेंबर था वो वहां पर काम कर रहा था दूसरे गांव में, तो इसलिए उसका नाम वहां पर दिख रहा है, तो इसलिए जो हमको मोबाइल आज देने वाले थे वो मोबाइल उन्होंने अपने पास ही रखा है, और उन्होंने कहा है कि वो इश्यू सॉल्व करके कल आपको देंगे, कल हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे क्या क्या मोबाइल है और सच में इसका पोस्ट ऑफिस में क्यों यूज हो सकता है, या पोस्ट ऑफिस पूरा डेवलपमेंट हो सकता है क्या इस मोबाइल की वजह से, वो देखेंगे। सॉरी